तो ये है डे टू, थोड़ा पास से शूट करना। ओके। तो ये है डे टू, अभी यहाँ पे हमें एक शॉप मिली है जिसका नाम है पता नहीं कुछ होगा मोना फुटवेयर्स। बताओ। और अभी हम यहाँ पर थोड़े तिब्बतन स्टाइल वाले कपड़े ले रहे हैं। अच्छा। जो कि हम शायद लेंगे नहीं, बस देख रहे हैं, आ जाओ। और तरुण यहाँ पर पहले से शॉपिंग कर रहा है, तो आइए इसे पूछते हैं कि इसे क्या पसंद आया। क्यों नहीं। तरुण से बात करके मुझे पता चला कि यहाँ पर सब कुछ काफी महंगा है और हमारे पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे, वो भी फ्रूटी के लिए। फिर मैंने बोला, दीदी बजट की बात नहीं है पर कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, और यही एक्टिंग कर कर हम बाहर निकल गए। नंबर 1 का कबीला। तो ये है डे टू की रात को हम बहुत लेट आए रूम पे, थोड़ा बहुत थोड़ी देर और जागे, फिर हम बहुत थक गए थे पूरा दिन भर, इतनी चढ़ाई करी, इतना चले और इतना लाइन वगैरह में रहे, दर्शन का वेट किया, दर्शन होने का वेट किया, तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम रूम में आए तो इसलिए हम थोड़ी देर में ही सो गए। आज फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, जल्दी हम नहीं गए क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया। और फिर यहाँ पे एक शेकिंग करके शॉप है, उधर हमने शेक्स किए। अब हम नीचे तिब्बतन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्या क्या मिलता है क्या नहीं। मार्केट पहुँचने से पहले हमें मिल गया यहाँ पे मंदिर जिसकी घंटियाँ बहुत ही अलग तरीके से लगी हुई थी। तो सामने बैठे पंडित जी से हमने पूछा क्या इन घंटियों को हम बजा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया अगर पहुँच पाओ तो बिल्कुल। इतनी ऊंची ऊंची यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं और सबसे ऊपर वाली मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, देखते हैं बजा पाता हूँ कि नहीं। तो आ जा, मैं यहाँ ट्राई करूँ। तो यहाँ से शुरू है तिब्बतन मार्केट और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक शॉट्स अपने स्टाइल में। चलो भाई। सिनेमैटिक शॉट्स लेने के और कूल बनने के चक्कर में मैं बस यहाँ से वहाँ भटके ही जा रहा था। और कसम से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, बस वीडियो के चक्कर में खरीदने की और देखने की सस्ती सी एक्टिंग कर रहा हूँ। वो तो मैं इतना सच्चा और ईमानदार व्लॉगर हूँ इसलिए अपने व्लॉग में बता देता हूँ। और यहाँ की मार्केट दिखने में लगभग दिल्ली के मजनू के टीला मार्केट जैसी ही है, पर यहाँ पर घूमने में फायदे है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अंग्रेज और अंग्रेजने भी मिल जाती है, राजा जी। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो उनसे बात भी कर सकते हो। समझ गया। और यही आगे चलकर हमें मिला हमारे देसी अखाड़ों का डंबल जिसे शायद मुगदर कहते हैं, और आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं चलाया था। और वापस आते आते तरुण को भी घंटी बजाने का जोश चढ़ गया और हम दोनों में चैलेंज हो गया। वो गड्डियां फिर से उछिया रखी हैं, नारा वो जट दे पीछे यहाँ पर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो इतनी सारी हरकतें करने के बाद, मस्ती करने के बाद और खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस, और मैं वापस आ चुका हूँ छत पे ये मौसम का, ये नज़ारे का, ये खुशबू का आनंद लेने। तो सोचा तुम लोगों को भी फ्री में दिखा देता हूँ। तो मैं फिर से छत पे आ चुका हूँ और पीछे सनसेट हो रहा है। मेरे यहाँ पर जब से मैं हूँ मेरे दिन की शुरुआत छत पे आके हो रही है और दिन ख़त्म भी छत पे आके ही हो रहा है, क्योंकि व्यू भी देखना होता है और हवा चल रही होती है, मौसम बढ़िया और यहाँ की खुशबू बहुत बढ़िया। इस वजह से इस ट्रिप के मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, उनके साथ पहली बार आया था। करण के साथ मैं पहले काफ़ी बार आ चुका हूँ, काफ़ी बार तो नहीं मतलब ठीक बार आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छी रही ट्रिप, सारे काफ़ी अच्छे थे। और इस बार ही बाकी जितनी बार मैं जाता हूँ जितने भी दोस्त मिलते सारे के सारे शर्मीले, नहीं हमें कैमरे मत लो, ये मत करो, वो मत करो, अरे हम वहाँ क्यों आ गए, अरे यार ऐसे बता देते पहले। इस बार ये ऐसा कुछ नहीं था, सारे मस्त बंदे थे, सब आए जितना आ सकते थे, बाकी व्लॉग तो मेरा था, मैं नहीं चाहता किसी को फेमस करना। फेस इतना सूजा सा हो रहा है जबकि हम कब के उठे हुए हैं, ठंड इतनी है, मुंह धोते ही ऐसा हो जा रहा है आँखें सूज जा रही कि जैसे अभी उठे हो। तो मेरा रुकना यहाँ पर इतना ही था। ऋषिकेश बहुत फेमस जगह है, बहुत सारी चीज़ें, राफ्टिंग होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसकी वजह से, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से फेमस है और लोग करते भी हैं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया था। आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। कल तो हमारे साथ सुमित भैया, सॉरी क्या नाम था, हाँ सुनील भैया थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, सच में बहुत ही मस्त इंसान है भाई साहब। पूरी ट्रिप में या फिर जहाँ भी मैं ऋषिकेश में जितने भी लोगों से मिला सबसे बेस्ट बंदा वो मुझे लगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त बंदा था भाई साहब। तो अब जाने का टाइम हो चुका है, ठंड बहुत हो रही है, निकलने से पहले मैं अच्छे से कपड़े पहन लेता हूँ ताकि मुझे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और एक आखिरी बार इसको अच्छे से देख लेता हूँ नज़ारे को, व्यू को। लेकिन ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हमने और मस्ती करी घर वापस जाते समय, वो भी अनजान लोगों के साथ।
क्या नहीं क्या बोला तूने? वाह